प्लास्टिक की कैन और पॉलिथिन पर प्रतिबंध लगने के बाद हरिद्वार में गंगा जल दे जाने के लिए स्व सहायता समूह ने इसका विकल्प तैयार किया है। हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बांस की बोतलें और चटाई बनाई है। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और हर की पैड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया और नगर निगम और स्व सहायता समूह की इस पहल की सराहना की है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा स्वदेशी रूप से तैयार यह प्रोडक्ट काफी सस्ते और सुलभ हैं। इनका उत्पादन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोग प्लास्टिक के कैन की जगह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। प्रकार से देश ने यानी कि हमारे भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर 45 से कम का जितना भी प्लास्टिक उसको हम बैन करें या उसका प्रयोग नहीं करें। ये बात अपनी जगह है, लेकिन मैं हरिद्वार नगर निगम की जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उन बहनों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की है। बोतलें हैं, आपने कांच की बोतलें हैं, बैम्बू की बोतलें हैं, उनको बहुत अच्छी तरह सुसज्जित करके एक विकल्प के रूप में आपने दिया है। आपने जैसे आपने मैट है जिसे हम चटाई बोलते हैं, जहाँ प्लास्टिक की चटाई लोग लेके और हर की पैड़ी आसपास गंगा के किनारे से लेकर छोड़ के चले जाते, प्लास्टिक उससे बढ़ता था उसका उपयोग, उसके लिए भी आपने एक वेस्ट कपड़ों से बनाई हुई चटाई किराए पे देने का जो आज उसका शुभारंभ हुआ है। तो इस प्रकार से और दूसरा आप देखिए कि जो नगर निगम काम कर रहा है उसको एक सुंदर गीत में प्रस्तुत किया गया। आप देखिए जिस प्रकार से देश